हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में परसेंटेज का एक सवाल करेंगे जो कि बोर्ड पे लिखा है। बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस ए वेंडर सफर्स ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, फाइंड हिज लॉस परसेंट। कोई वेंडर है, वो ऑरेंज सेल करता है। अगर वो 36 ऑरेंज सेल करे तो उसको लॉस होता है कितना, जितना कि 4 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है, यानी कि 36 ऑरेंजेस सेल करने पर। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, लेट एस पी ऑफ वन ऑरेंज, एक ऑरेंज का एस पी हम 1 रुपी एजुम कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑरेंज कितने सेल किए हैं, 36, सो एस पी ऑफ 36 ऑरेंजेस विल बी इक्वल टू रुपीज 36। एक ऑरेंज का हमने एस पी कंसिडर किया है 1 रुपी, तो 36 ऑरेंज का 36 रुपीज हो जाएगा। और लॉस यहाँ पर कितना कहा है, लॉस जो है वो इक्वल टू एस पी ऑफ 4 ऑरेंजेस, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। अब एक ऑरेंज का हमने सेलिंग प्राइस कंसिडर किया 1 रुपी, तो 4 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, रुपीज 4, यानी कि ये हमारे पास लॉस आ गया। और अब हमें परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें सीपी चाहिए, और लॉस हमारे पास है ही। सीपी जो है हमारे पास वो एसपी प्लस लॉस होता है। एसपी हमारे पास 36 रुपीज है, लॉस हमारे पास 4 रुपीज है। 36 सेलिंग प्राइस है 36 ऑरेंज का, और लॉस है वो 4 है, तो ये अपने पास 40 रुपीज आ गया, सीपी आ गया। अब लॉस परसेंट निकालना बिल्कुल आसान है। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन सीपी। लॉस 4 रुपीज है मल्टीप्लाइड बाई 100, और सीपी है अपने पास 40 रुपीज। अब 0 से 0 काट देते हैं और 4 से 4, तो 10% आ गया अपने पास। जो लॉस हुआ है उसको 10% हुआ है, और यही सवाल था। इस ऐसे कर सकते हैं हम इसको। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे वीडियो हम निरंतर चैनल पर डालते रहते हैं, तो देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।